Hey guys, I'm Samir. You're watching me on my YouTube channel Commerce Kiwani. We are in the third class of valuation of shares. इससे पहले दो क्लास हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली शेयर्स वाला जो चैप्टर है उसमें जो थियोरेटिकल डिस्कशन था उसको कंपाइल करने का कोशिश किया है, और ये जो क्लास है इसमें से हमको एमसीक्यूज पे फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद भी और एक क्लास आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जिसमें और कुछ एमसीक्यूज होंगे. सो आज का एंड जो इसके नेक्स्ट वाला क्लास आएगा ये दोनों आपका एमसीक्यूज के ऊपर होने वाले हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, एज आई रिपीटेडली से दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो का सेगमेंट, ईच जो चैप्टर्स हो रहे हैं ईच चैप्टर के एंड में जो वीडियो आ रहा है उसमें आपको एमसीक्यू जो डॉक्यूमेंट बन रहा है उसका लिंक दे दिया जाएगा. आप वहां से डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो बिफोर जस्ट मूविंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर क्लास, आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशन एंड वीडियोज लाइक दिस. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर क्लास. हम लोग को ये जो सारे क्लासेस हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जो सारे क्लासेस हैं ये सारे आर टारगेटेड टू दो स्टूडेंट्स ओनली हु आर गोइंग टू अपियर इन सी एस एग्जीक्यूटिव 2019 डिसम्बर एग्जाम. हम लोग कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो दो पेपर हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर ऑन कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग राइट नाउ. ओके, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. यू कैन कम टू माई चैनल एनी टाइम एंड वॉच दोज वीडियोज. ओके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स थर्ड क्लास कंसेप्ट हम कंसेप्ट नंबर 10 तक कर चुके थे. अगर आप लोग को याद है, अगर आप लोग सारे चीजें रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग को ये चीज याद हो गई. ऑब्वियसली हम कंसेप्ट नंबर 10 तक कर चुके थे. ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है. एडिशनल कंसेप्ट में डाला है हमने कंसेप्ट नंबर 11 को. बच्चों हमने यील्ड मेथड किया था ना, मेरा स्टार्टिंग विद द क्लास, प्लीज पे अटेंशन. हमने यील्ड मेथड किया था राइट. यील्ड मेथड में तीन वैरायटीज थे. ओके सर, क्या क्या थे? तीन वैरायटीज थे, क्या क्या थे उसमें? एक तो सर ईपीएस वाला बात था, एक डीपीएस वाला बात था, और एक प्राइस अर्निंग रेशियो था. ये तीन हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. सर इसमें एडिशनल क्या है? कुछ बातें हैं, कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज हैं, कुछ अल्टरनेटिव वेज हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स. हम दो के बारे में बात करेंगे, अर्निंग कैपिटलाइजेशन जो कि ईपीएस बेस्ड था. बच्चों इसमें वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला यही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ईपीएस अपॉन एनआरआर इनटू 100. और अगर आप डिविडेंड कैपिटलाइजेशन में देखोगे जहां पे डीपीएस का बात होता था वहां पे वैल्यू पर शेयर का अगर बात करोगे तो डीपीएस अपॉन एनआरआर इनटू 100 सर, कोई दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं. अब अगर आगे चलेंगे यहां पे मैंने क्या लिखा? और यहां पे हमने लिखा और. ठीक है, यहां अगर हम बात करेंगे, एक तो सर ईपीएस अपॉन एनआरआर इनटू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं लिखा वैल्यू पर शेयर अगर हम यील्ड मेथड में कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग कैपिटलाइजेशन को लेके, हमारा दूसरा ये फॉर्मूला बनता है. थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये एक्चुअली मैं बोलने वाला नहीं था, बट क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन भी थोड़ा हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा. क्या लिखा? वैल्यू पर शेयर ईपीएस अपॉन एनआरआर इनटू 100, ये तो सर हमको वेल नोन फैक्ट है, हमको पता है. अब अगर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें, क्या लिखा? यील्ड ऑन इक्विटी अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. ओके सर, ये यील्ड ऑन इक्विटी क्या है पहले वो समझते हैं. रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर इक्विटी जितना है डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड, मतलब ये जो इक्विटी फंड है इसमें कौन कौन आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. ओके सर, ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट आपने इक्विटी लोगों के लिए जनरेट किया और उनका फंड कितना है, दोनों को लेके उनका यील्ड ऑन इक्विटी आ जाएगा. सो ये जो रिटर्न है, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. ओके, ये जो रिटर्न है दिस इज द एक्चुअल वाला बात, आप जो कंपनी जो डिलीवर करके दे रही है. एनआरआर क्या है? जो उनका एक्सपेक्टेशन है, तो उसी को लेके बातें. देखो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? अर्निंग को लेके आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो ईपीएस आता है, अर्निंग को लेके आप अगर इक्विटी फंड से डिवाइड करते हो तो रेट आता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम है,
लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ईपीएस को लेके चल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न को लेके कैलकुलेशन हो रहा है। जब रेट ऑफ रिटर्न दोनों साइड से रह रखी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है और नॉर्मल रिटर्न है, सो यहाँ पे इसीलिए जो हमने जो एडिशनल पार्ट यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो पेड अप वैल्यू पर शेयर है। सो बोलने का लॉजिक क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है, एमसीक्यूज है इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना। जब आपको ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, एनआरआर दिए हुए हैं, तब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यील्ड ऑन इक्विटी दे दिया, एनआरआर दे दिया और पेड अप वैल्यू दे दिया और कुछ नहीं बोला, तो ईपीएस तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू पर शेयर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, तो इस तरह के सिचुएशन भी आ सकते हैं। इन दैट केस ओनली दिस मेथड, दिस पार्ट विल बी हेल्पफुल, इसलिए एडिशनल पॉइंट में उसको कवर किया। ओके, सेम चीज यहाँ पे आएंगे डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड में, डीपीएस अपॉन एनआरआर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं लिखें वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का जो भी रेट है, 10%, 15%, 12%, व्हाटएवर जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब ये पेड अप वैल्यू आई गेस आप लोग को सब क्लियर है कि ये एक्चुअली है कि अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए टोटली पे हो चुका है, तो 10 रुपए इज द पेड अप वैल्यू। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर और 8 पेड अप है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसमें 8 लेंगे ना कि 10, तो ये चीज बस ध्यान रहे। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसलिए बताया गया, इसलिए मैंने कवर किया, क्योंकि एमसीक्यूज के सिचुएशन में, जैसे यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया, एनआरआर दे दिया और पेड अप वैल्यू दे दिया और कुछ नहीं बोला, सर डीपीएस तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह का बात नहीं देगा, तो डीपीएस तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, डीपीएस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। हम अगर एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, तो वहां पे वी विल बी स्टक इन, हम आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वैल्यू पर शेयर। सो इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको डिस्कशन में लाया गया। तो ये हमारा अभी तक का लास्ट है कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 11। इसके बाद और भी थोड़े कंसेप्ट हैं जो कि लेटर इन द क्लास में आ जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू पार्ट नाउ। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, ये हम एमसीक्यू पार्ट करने वाले हैं। ओके ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास, या चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने स्कैनर से भी लिए हैं, कुछ कंपाइल किए हैं, कुछ अदर बुक्स वगैरह से फॉलो भी किए हैं। सो आपको एक रेडीमेड कंपाइलर टाइप क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइडल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। पेड अप वैल्यू देखिए, जो अभी कंसेप्ट किए थे ना, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये पेड अप वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू, मतलब 20 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पेड अप है, अभी तक पे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलता है आगे, यील्ड रेट ऑफ रिटर्न 15.75, एनआरआर इज 9%, व्हाट वुड बी द वैल्यू पर शेयर। स्कैनर का क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह का सिचुएशन हो गया, तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, अभी अभी बात किया, यील्ड अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू, वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। यील्ड इज 15.75, एनआरएल इज 9, पेड अप वैल्यू इज 9, सॉरी 10, द रिजल्ट इज 17.5। आई गेस दिस इज क्लियर। हम लोग वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, क्या क्या है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए वाले, 50,000 शेयर्स हैं इक्विटी, 8 पेड अप है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ रहा है आप लोग को ये सारे, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो जब भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, आपको पिछले जो 2 क्लासेस है, पिछले जो 2 वीडियोस जहाँ पे शेयर्स का पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया है, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लिक होने चाहिए। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 रुपये अभी भी अनपेड, सॉरी 2 रुपये अभी भी अनपेड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट का फिगर। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व ये होने वाला है, टैक्स रेट, एनआरआर, और आपको बोला गया यील्ड वैल्यू पर शेयर। अभी यील्ड वैल्यू का मतलब क्या है, यील्ड मेथड जो हमने पढ़ा था, यील्ड मेथड जो हमने पढ़ा था वो हम यूज करने वाले हैं। सर यील्ड में तो 3 मेथड्स थे अलग अलग, कौन से यूज करेंगे, जो सूटेबल होगा, जिससे कैलकुलेट कर पाएंगे वही चीज करेंगे हम। अब क्वेश्चन में डिविडेंड को लेके कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में पीई रेशियो को लेके कुछ नहीं बोला, तो हम लोग वो दोनों अल्टरनेटिव वैसे भी यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन,
हमारा जो अर्निंग कैपिटलाइजेशन है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए फॉर इक्विटी, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ईपीएस आएगा, एनआरआर आएगा, वैल्यू पर शेयर आ जाएगा आराम से। तो वही चीजें यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, आपको प्रॉफिट है 2,18,000 का, यहाँ पे ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और कुछ तो एडजस्टमेंट था ना, इसलिए स्ट्रेट अवे टैक्स हमने माइनस किया। रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये गुडविल नहीं है, ये शेयर का केस है, तो इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व भी लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ना ये जगह पे बच्चों के बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं। जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे माइनस करना बहुत जरूरी है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, अर्निंग फॉर इक्विटी 86,640 का आया, ये अर्निंग फॉर इक्विटी आया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आता क्या है, ईपीएस आता है। ईपीएस अपॉन एनआरआर इंटू 100 करेंगे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। आई गेस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स जस्ट मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। कैलकुलेट द नेट एसेट्स, नेट एसेट वैल्यू। आपको जो मेथड है ना वो पूरा इंडिकेट कर दिया, नेट एसेट में कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट बेटा, अगर नेट एसेट है तो नेट एसेट तो चाहिए ही, टोटल एसेट दे दिया हमने, पहले टोटल एसेट को लिख लिया यहाँ पे, 101,000 का टोटल एसेट है, ठीक है सर। इस टोटल एसेट में एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी फिक्टिशियस एसेट है, सो फिक्टिशियस एसेट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट एसेट, द कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए उसको हमने पहले हटाया। ओके सर, उससे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी हटना चाहिए। ओके सर, ठीक है, प्रेफर क्योंकि इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है वो भी माइनस होना चाहिए, वो भी माइनस कर देंगे सर। और तो कुछ मुझे दिखा नहीं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करने का आइटम कुछ, तो हमने सब माइनस किया, तो हमारा आया नेट एसेट इज 48,150, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आंसर इज देयर, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा टफ और कुछ हो नहीं सकता, मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ और हो नहीं सकता है। ओके, एनीवेज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, शैल वी स्टार्ट? ओके, द कंपनी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है? इक्विटी है, 11% कैपिटल है, 12% सिक्योर डिवेंचर्स रिजर्व्स, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इज 4 लाख बिफोर, ये सब क्वेश्चंस का जो ये जो पार्ट्स हैं इसको बहुत अच्छे से देखना है। बिफोर बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं दिया हुआ है, टैक्स अभी तक डिडक्ट नहीं किया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है। सो हमारा काम क्या है, कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर, मेथड के बारे में कुछ इंडिकेशन नहीं है, मेथड कौन सा करेंगे कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है सर। एक पहले काम करते हैं, शेयर्स के लिए जो एफएमपी कैलकुलेटर होगा वो पहले कर लेते हैं, विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर मैटर लेटर। ओके, एफएमपी पहले कैलकुलेट किया हमने, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 4 लाख का, इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया होता तो हम लोग को करना है, कैसे, डिवेंचर है 4 लाख, इंटरेस्ट रेट है 12%, ओके, तो 48,000 का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स है 50%, स्ट्रेट अवे माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्योंकि हमको इक्विटी का चाहिए तो हमको प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 3 लाख का 11% यहाँ पे दिया हुआ है, 3 लाख का 11%, ओके, तो 33,000 ये भी माइनस हो गया, अर्निंग फॉर इक्विटी जो हमारे लिए बचा वो हो गया 1,43,000। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, बोला कि एफएमपी हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है, वैल्यू पर शेयर निकालना है। हमारे पास क्या क्या मेथड है, एक हमारे पास नेट एसेट मेथड है, ठीक है, एक हमारे पास यील्ड मेथड है, ठीक है, एक हमारे पास फेयर वैल्यू मेथड है। नेट एसेट के लिए हमको टोटल एसेट एंड ऑल अदर लाइबिलिटीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ओके, तभी जाके नेट एसेट मेथड यूज कर सकते हैं। यील्ड मेथड के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा, फेयर वैल्यू ये दोनों जब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक फेयर वैल्यू नहीं हो पाएगा। सो सर बेसिकली ये क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि नेट एसेट मेथड तो यूज नहीं कर पाएंगे, यील्ड बेसिस ही करना पड़ेगा, और वो भी डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको अर्निंग कैपिटलाइजेशन ही यूज करना है, इन दैट केस ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द ईपीएस का अमाउंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया,
दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया हमने, 5 लाख है, थोड़ा सा यहाँ पे 5000। सो अगर ईपीएस को देखेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी 1,43,000, नंबर ऑफ शेयर इज 5000, ईपीएस आ गया आपका 28.6। ओके, सो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एनआरआर इनटू 100, दिस इज योर। ओके, ये जो ये आपका आंसर आ जाएगा 190.67। सो ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस को थोड़ा इग्नोर करें, ऑप्शंस यहाँ पे अपडेट करने से मेरे से ये मिस्टेक हुआ है, 190.67 इज द आंसर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसमें आपको ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, टोटल एसेट का इंफॉर्मेशन दिया, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये नाम बोलते अब तो ये हो जाना चाहिए कि आपका जो टोटल एसेट्स हैं उसमें अगर फिक्टिशियस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टाइप कुछ है तो वो माइनस हो जाएगा। तो पहले तो हमने वही किया, टोटल एसेट से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ओके, इक्विटी शेयर्स हैं 50,000 का, 10 रुपए वाले, जिसमें से 5,000 शेयर्स अभी भी अनपेड। 10 रुपए वाले अगर बेटा शेयर हैं तो 50,000 में से 5,000 को हटा तो 45,000 शेयर्स जो हैं वो पूरा का पूरा 10 पेड है। बाकी जो 5,000 शेयर्स हैं वो कितना पेड है, ₹8 पेड है, क्योंकि 2 अनपेड है, यही है इसका सिचुएशन। तो यहाँ पे अपना टोटल में से कॉल सिनेरियो माइनस करके दिखाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व्स, अदर लाइबिलिटीज, ये सारे बोला। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पे क्रॉस चेक करना एक बनता ही है, टोटल एसेट बेटा कितना है, 10 लाख। सो टोटल लाइबिलिटी का भी टोटल 10 लाख ही होना चाहिए, इसका टोटल करके देखो 10 लाख ही है। ओके सर, तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी हो गया। अब बोला क्या, नेट एसेट कैलकुलेट करो फॉर इक्विटी। ओके, तो सर नेट एसेट इक्विटी के लिए आराम से निकल जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, और क्या माइनस करते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड इफ इन एरियर्स। ओके, ठीक है, तो एरियर वेरियर का बात तो यहाँ पे दिया नहीं है, हमने दो चीजें माइनस किया, अदर लाइबिलिटीज माइनस किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेट एसेट हैज बीन कैलकुलेटेड 5,50,000, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट में आपको बोला कैलकुलेट द नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर डेप। यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज मैंने इसीलिए बनाया था, हमने इसका थियोरिटिकल डिस्कशन लास्ट क्लास में भी किया था कि जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं दोनों कैटेगरी का अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई जरूर करेगा कि कौन से कैटेगरी का आपको वैल्यू निकालना है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस बच्चों को एक चीज का, अच्छा थोड़ा देर आगे जाके मैं एक डाउट का डिस्कशन जरूर करने वाला हूँ, सो आई गेस बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आया होगा। अभी तक नेट एसेट का कैलकुलेशन ये है, ठीक है सर, क्योंकि अनपेड सेम फेस वैल्यू है, डिफरेंट पेड अप वैल्यूज हैं। हमारा कंडीशन याद है, हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया था नेट एसेट मेथड का कंसेप्ट्स में, वो चीज को रिकॉल करें यहाँ पे। वहां पे क्या होता था, जब भी आपको अनपेड रहता है तो आपको नोशनल कॉल का यूज करना रहता है, तो नेट एसेट पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। नेट एसेट कैलकुलेट हो गया सर, उसके बाद ऐड करना होता है नोशनल कॉल। अब नोशनल कॉल कितना, 5,000 शेयर्स 2 रुपए करके 10,000, और ये नोशनल कॉल नेट एसेट के साथ ऐड होता है। याद आ रहा सब, ये कंसेप्ट सारे डिस्कस्ड हैं। सो एक्चुअल में नेट एसेट जाके पहुंच रहा है 5,60,000। सो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज, पहला क्वेश्चन नंबर 5 में नेट एसेट्स पूछा था। ओके, तो हमने 5,50,000 लिया, क्या सर हम ये 5,60,000 ले सकते हैं, ऑप्शन में है, क्या ये ले सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो नोशनल कॉल था, अगर आप लोग को याद होगा, नोशनल कॉल इज एज्यूम्ड, हम लोग कहीं ना कहीं एज्यूम करके रखते हैं कि अगर ये कॉल होता तो क्या होता,
एक्चुअली वो कॉल नहीं हुआ, एक्चुअली आपके पास पैसे भी नहीं आए। सो अगर आपके पास एक्चुअल में पैसे नहीं आए तो नेट एसेट में ऐड करके कैसे दिखा सकते हो? इट इज जस्ट अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ शेयर, जो हम वो पर्टिकुलर मेथड में जाके करते हैं। नेट एसेट अभी भी इंटैक्ट है, विच इज 5,50,000, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। 5,50,000 का नेट एसेट, एक सेकेंड, ये 5,50,000 का यही आपका नेट एसेट है, ये नहीं है। ये आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? शेयर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने कर रहे हो, शेयर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हो। ओके, तो सर यहां तक हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा। बट एक चीज ध्यान रखें इसमें, जब आप ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, 5,60,000 आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, क्योंकि पेड अप कर दिए उसे टोटल में। आप अगर डिवाइड करोगे तो ये जो निकला ये क्या होगा, 10 रुपये पर शेयर पेड अप के लिए जो वैल्यू है वो 11.20 है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आया 5,60,000 अपॉन 50,000, ठीक है। ये जो निकला, अगर यहाँ देखो क्वेश्चन में भी आपको वही पूछा है, 10 रुपये पेड अप के लिए निकालो, तो जो अमाउंट यह आया ये 10 रुपये वालों के लिए। अगर क्वेश्चन में ₹8 पेड अप के लिए बोलता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता। आप ये स्ट्रेट अवे ये नहीं बोल सकते थे कि सर ₹11.20 पर शेयर जो आ रहा है वो ₹8 पेड के लिए, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है, जब आपको ₹8 पेड के लिए निकालना तो जो 10 रुपये वाले हैं उसमें से 2 हमको माइनस करना है, क्योंकि 2 अनपेड है। तो आपका 9.2 जो आया ये आपका आ गया सर, ये हो गया हमारा ₹8 पेड अप जो शेयर्स हैं उसका वैल्यू पर शेयर हो गया ये। सो हमारा आंसर क्या है, 11.2। आई गेस द आंसर इज प्रेटी मच क्लियर, आप लोग इसको ध्यान देते हुए करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका गुडविल का रिवीजन भी हो जाएगा, आपका शेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, आपको बहुत सारे बातें सीखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सो इट विल टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। चलें स्टार्ट करते हैं। आपको एक बैलेंस शीट दिया, एकदम शॉर्टकट वे में चलेंगे, थोड़ा सा पे अटेंशन करें, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। गुडविल है, ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मुझे यहाँ पे देना। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड में और कुछ है नहीं, आगे निकलते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट मतलब ये, ओके, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, सर नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है? नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका फेस वैल्यू हो गया ये। तो सर ये जो 4 लगा सी ये क्या है? ये आपका कॉस्ट है। ओके ठीक है, आपने खरीदा 4.80 में, फेस वैल्यू इसका है 5 लाख, मार्केट वैल्यू इसका है 5,20,000, रिवैल्यूएशन याद आ रहा है आपको, जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेने हैं गुडविल या शेयर्स के केस में, तो आपको बैलेंस शीट का वैल्यू तो लेना ही है, लेकिन अगर बैलेंस शीट के वैल्यू के साथ नीचे रिवैल्यूएशन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो तो रिवैल्यूड फिगर को ही हमको लेना होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट को लेके बात किया, ठीक है, आगे निकलते हैं। एवरेज प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स, ठीक है, 12 लाख है, टैक्स 50%, ठीक है, 12.5% रिजर्व में भी ट्रांसफर होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 8%, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से चलेंगे, ठीक है। व्हाइल फेयर रिटर्न ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। सो सर एक चीज तो ध्यान में दें, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में दें, क्या ये जो 10% है ये क्या है? एनआरआर है, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, विल स्पीक अबाउट दिस लेटर ऑन। ओके, एनआरआर हो गया सर 10% का, आगे निकलते हैं, क्या है देखते हैं। आपको ना गुडविल के बारे में बोला, गुडविल टू बी रिवैल्यूड एट, ये जो गुडविल है इसको हम लेंगे नहीं, उसको बोलेंगे 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल को भी कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन में पहले गुडविल का बात तो करना ही है, सो अगर गुडविल का कैलकुलेट करना है पहले उसी के बाद पहले कर लेते हैं। गुडविल में आपको पहले सुपर प्रॉफिट मेथड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, एफएमपी चाहिए, एनआरआर चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए,
सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, सुपर प्रॉफिट आता है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ओके, तो पहले हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही यहाँ पे किया हुआ है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैंने बिल्डिंग लिखा, मैंने प्लांट लिखा, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दे दिया, गुडविल हमने नहीं लिया क्योंकि गुडविल का ही कैलकुलेशन है, आपको याद आ रहा है, सारा चीजें कंसेप्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। ओके, गुडविल हमने नहीं लिया, हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया। अभी इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं लिया बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे देखो एक बार, 10% स्टॉक, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा गुडविल पर्पस में आता नहीं है, तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, गुडविल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। करंट एसेट हमने एज इट इज ले लिया है, ठीक है। अब यहां से करंट लाइबिलिटीज एंड डिवेंचर्स माइनस किए हैं, क्यों, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सॉरी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं। सर प्रेफरेंस शेयर्स क्यों नहीं माइनस किया, गुडविल है, गुडविल के केस में प्रेफरेंस शेयर्स माइनस नहीं होता है, डिटेल डिफरेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन द थियोरेटिकल क्लासेस। ओके, तो हमारा, अच्छा इसमें क्या आया, ये माइनस करने के बाद जो आता है आप उसे बोलते हो टर्मिनल कैपिटल एम्प्लॉयड, आप उसे बोलते हो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ओके सर, हमको गुडविल के केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, ठीक है। तो सर ये जो जो निकला 20 लाख 20,000, ये जो निकला ये हो गया क्या हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या टर्मिनल कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हमको क्या करना होता था, अगर आपको याद हो, हाफ ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इससे अगर हम माइनस करते हैं किससे, क्लोजिंग कैपिटल से, तब आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन में क्या हमको करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, आंसर इज नो। क्यों, ये जो 12 लाख है इट इज ऑलरेडी एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आप ये बोल नहीं सकते कि इस साल का प्रॉफिट यही है और इसको लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करके हाफ इसमें से माइनस करो, आप बोल नहीं सकते। इन दीज केसेस जहां पे करेंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अनअवेलेबल, जो दिया हुआ नहीं है, उस केस में हमारे पास एक लिबर्टी है, एक एग्जाम्पशन लेके चलते हैं, जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, जो टर्मिनल कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कब, जब ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, ये करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जब कैलकुलेट नहीं हो, अगर स्पेसिफिकली दिया होता तो हम यहां से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर रहे होते, लेकिन क्योंकि नहीं दिया तो हम ये माइनस नहीं करने वाले। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आ गया एफएमपी का बात होगा। अब ये जो एफएमपी है बेटा, 12 लाख का बिफोर टैक्स है, यहां पे गुडविल के लिए जो एफएमपी चाहिए वो एफएमपी में नॉन ट्रेड इनकम नहीं रह सकता, एबनॉर्मल इनकम नहीं रह सकता, एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम अगर कुछ है तो उसके एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, एरर्स वगैरह के एडजस्ट करने होते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस वगैरह का इनकॉर्पोरेशन होता है। ओके, तो सर ये जो 12 लाख है ये बिफोर टैक्स है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये क्या लिखा है, जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बोला है 10% स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं ये जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है इसमें से 10% का इनकम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 12 लाख का बिफोर टैक्स का जो इनकम दिया हुआ है आपको, इसमें ये जो 10% का जो नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसका इनकम भी इंक्लूडेड है, उसको आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12 लाख, ये हमने एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है, नॉन ट्रेडिंग इनकम यहाँ पे नहीं आ सकता, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके सर, 10% है सर किसके ऊपर, बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट को लेके तीन फिगर्स हैं, कॉस्ट, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सर पागल हो गए हो क्या, इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होगा फेस वैल्यू पे ही होगा ना, कॉस्ट पे कैसे हो सकता है,
आप जब डिविडेंड देते हो शेयर्स पे, तो शेयर का मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड देते हो कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। सो वैसे ही बात है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 5 लाख पे, 10% का हमने माइनस किया, तो जो आया, सो 5 लाख का 10% इज 50,000 माइनस हुआ, टैक्स माइनस किया, एफएमपी आया। ओके, एफएमपी के बाद हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए, हमारे पास एफएमपी भी आ गया। ओके कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, एफएमपी आ गया, दोनों आ चुके हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, नॉर्मल प्रॉफिट आराम से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट इज 20,20,000, सॉरी 2,02,000। ओके, सुपर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली आ गया, एफएमपी माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल का इन्फॉर्मेशन आ गया। यहाँ तक आने के बाद अगर आप बात करोगे क्वेश्चंस का, कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है, ये इक्विटी का बात है, ये थोड़ी देर बाद आएगा, गुडविल का वैल्यू आ चुका है, ओके इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग बाद में आएगा, ये गुडविल का वैल्यू है और ये एवरेज प्रॉफिट है, सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। अब हम शेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, शेयर्स में क्योंकि अभी आपको ऊपर ही पूछा था नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में नेट एसेट मेथड भी यूज होने वाला, तो नेट एसेट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट एसेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो गुडविल का है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, गुडविल ऐड करते हैं, नॉन ट्रेड ऐड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करते हैं, और एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी वो माइनस होता है। क्वेश्चन में जब तक नहीं देगा हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। तो ये तीन चीजें जो हैं ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको। किया हमने, नेट एसेट आया, तो और एक का आंसर भी आ गया आपका, नेट एसेट फॉर इक्विटी आ गया सर। ओके, उसके बाद हमारा बात क्या है, उसके बाद होगा एफएमपी का बात करते हैं। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे भी आपको पूछा हुआ है, तो अर्निंग का जब बात करोगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज करना होगा कि सर जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया हुआ है उसमें तो नॉन ट्रेड इनकम ऐड किया हुआ, जो मैंने हटाया था गुडविल के केस में, क्या इसमें हटाने का जरूरत है? ये हम शेयर्स का कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एफएमपी निकाल रहे हैं, तो इसमें नॉन ट्रेड इनकम ऐड किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 12 लाख है इसमें ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। गुडविल के केस में वो करना था, किया था सर हमने, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट टैक्स माइनस किया, रिजर्व में हमको इतना ट्रांसफर करना था, प्रेफरेंस डिविडेंड इतना देना था, होने के बाद आपका अर्निंग फॉर इक्विटी भी आ गया। आपको अर्निंग फॉर इक्विटी भी पूछा था, आई गेस यस, अर्निंग फॉर इक्विटी शोल्डर्स आपको पूछा था, 4,05,000 अर्निंग फॉर इक्विटी डन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है हमको। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमारे पास तीन मेथड्स हैं, पहला कौन सा नेट एसेट, दूसरा कौन सा यील्ड मेथड, तीसरा है प्राइस अर्निंग। नेट एसेट मेथड में अगर हम करेंगे तो नेट एसेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है शेयर्स का, नेट एसेट इज 26,59,000, ये आपका नेट एसेट है। ओके सर, नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर नेट एसेट मेथड आपको पूछा है, तो आराम से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइड करके, 1 लाख शेयर्स हैं, 26,59 आपका नेट एसेट्स है। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा अंडर यील्ड मेथड, ये सर यील्ड मेथड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा कुछ बोला नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थर्ड वाला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा दो चीजें दिए हुए, दो रेट्स दिए हुए, एक तो 8% है, एक 10% है। जो 10% है उसको क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10%। ओके, शेयर्स का कैलकुलेशन में कभी भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का बात नहीं किया, जब भी हमने बात किया नेट एसेट का बात किया। ओके, गुडविल के केस में हमने नेट एसेट का कभी नहीं बात किया, जब भी बात किया कैपिटल एम्प्लॉयड का बात किया। जाहिर सा बात है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का जो ये जो 10% दिया हुआ है, ये दिस इज एनआरआर फॉर गुडविल, एनआरआर फॉर गुडविल। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस सर, ये जो 8% है ये आपका एनआरआर है शेयर्स के लिए। सर ऐसा क्यों, दो अलग अलग क्यों, ऑब्वियसली अलग अलग होगा। एक बात ध्यान रखें,
गुडविल के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, डेब्ट भी आता है। शेयर्स का केस में आप जब एनआरआर का कैलकुलेट करते हो तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ ओनली शेयर होल्डर्स लिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लिया जाता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अगर ये चीज कुछ बोला नहीं होता यहाँ पे तो वही 10% को लेके हम लोग एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये चीज बोला हुआ है नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड है, कंपनी वो दे नहीं रहा, एक्सपेक्ट करके चल रहे वो लोग, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है 8%। एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो क्लोजिंग में जो कैपिटल, इसमें इक्विटी भी, इसमें प्रेफरेंस भी, इसमें डेब्ट भी है, इसमें डिवेंचर्स हैं, सब कुछ है, उन सब का मिला के एक्सपेक्टेशन है 10% का। सो सर बाय डिफॉल्ट इट विल बी यूज अंडर गुडविल वाला कंसेप्ट, और ये जो 8% है ये इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है। सो एनआरआर इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप 8% का यूज करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पे हमने किया, अर्निंग पर इक्विटी निकल चुका था, नंबर ऑफ शेयर्स हमको ईल्ड मेथड में निकालना है। तो सर ईल्ड मेथड में एनआरआर हमको मिल चुका है, अर्निंग मिल चुका है, तो इजी ईपीएस वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग चले जाएंगे आगे। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डिवाइड किए ईपीएस आ गया, ईपीएस अपॉन एनआरआर इंटू 100, एनआरआर इन दिस केस इज 8%। ये चीजें बस ध्यान रखें। तो हमने वैल्यू पर शेयर यहाँ पे निकाला विच इज 50.63। आई गेस दिस इज प्रीटी मच क्लियर नाउ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर फेयर वैल्यू मेथड, दोनों को एवरेज कर देंगे, हो जाएगा 2659। 50.63 डिवाइडेड बाई 2 इज 38.61। ऑप्शन में है नहीं, नन इज द आंसर। सो आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एमसीक्यूज के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको और एमसीक्यूज मिलेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, प्लस कुछ एडिशनल कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। प्लस जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, डू नॉट फॉरगेट, आई रिपीटेडली से दिस इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियोस, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जिसमें आपको ये जो डॉक्यूमेंट बना, जो और क्वेश्चंस आएंगे सारा मर्ज करके जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका लिंक फॉर डाउनलोडिंग दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन से चेक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज वीडियो वाइंड अप करने से पहले, आज के लिए इतना ही है, आज का वीडियो खत्म करने से पहले आई लाइक टू सिंसियरली थैंक अगेन ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।